राष्ट्र सेविका समिति द्वारा शहर के आदर्श विद्या मंदिर मंगलवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव के दौरान महिलाओं ने होली के गीत गाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के महापर्व की सभी को बधाइयां दी। फागोत्सव के दौरान राष्ट्र सेविका समिति द्वारा नवीन कार्यकारिणी की घोषणा के साथ मनोनीत पदाधिकारियों का बहुमान भी किया गया। आगामी होली महापर्व को लेकर बाड़मेर शहर भर के अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फागोत्सव की इसी कड़ी में मंगलवार को राष्ट्र सेविका समिति द्वारा जोशियों का निचला वास स्थित आदर्श विद्या मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सेविका बहनों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फागोत्सव के दौरान महिलाओं ने होली के गीत गाकर और गुलाल उड़ेलकर एक दूसरे को फागोत्सव की बधाइयां दी। इस दौरान महिलाओं द्वारा भगवान राधे कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। महिलाओं ने भगवान राधे कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना और उपासना करते हुए भगवान कृष्ण के भजनों और रासलीला से विद्यालय प्रांगण को वृंदावन बना दिया। वहीं राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी बहनों और महिलाओं ने पुष्प होली खेलकर और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के महापर्व की बधाइयां दी। फागोत्सव के दौरान राष्ट्र सेविका समिति की नवीन कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई। तत्पश्चात नव मनोनीत पदाधिकारियों और सदस्यों का माला पहनाकर बहुमान किया गया। इस फागोत्सव के दौरान साध्वी अनुश्रिया मीना सिंधी, अनीता चौधरी, अनीता चौहान, मनोहर कंवर, मधु परिहार, मधु सोढ़ा, वंदना, प्रियंका, दुर्गा ज्योति, चेतना, श्यामा सोनी, देवी माकड़, सुमन, हिमाद्री समेत दर्जनों महिलाएं और राष्ट्र सेविका समिति की बहनें उपस्थित रहीं।